हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक्साइटिंग कर रहे होंगे। तो आज ये हमारा नया वाला वीडियो चालू हो चुका है, नया एपिसोड नया वीडियो आपके इस बाइक वाच चैनल पे चालू हो चुका है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये अभी मैं राइड कर रहा हूँ MT-15, और ये जो पहली इसके पीछे वाली वीडियो आपने देखी थी वो MT-15 के डिलीवरी की थी, और इसकी अभी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। तो आज हम इसको राइड पे लेके निकले हैं और इसके संग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और आगे देखते रहिए। और बात करूँ इस बाइक के स्मूथनेस की, तो स्मूथ तो भाई गजब की स्मूथ है। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने 220 से तो 220 एक्चुअली बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसमें स्मूथनेस नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। स्मूथनेस उसकी एकदम गोल हो गई है। और इसकी स्मूथनेस की बात करूं तो यामाहा आपको पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा स्मूथ है। मेरी FG भी काफ़ी स्मूथ है, जबकि फुल थ्रोटल भी दे दो तो इंजन से उतना वाइब्रेशन नहीं आता। वही हाल इस बाइक का भी है, इसमें भी आप फुल थ्रोटल दे दो तो इंजन से कोई वाइब्रेशन नहीं पता चलती है आपको, जबकि बाइक आपकी 100+ होती है। तो ऐसी स्मूथनेस मतलब अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है, एक नंबर है। और ये ब्रेकर है। जनरली नई बाइक लेने के बाद लोग करते क्या है कि टॉप स्पीड चेक करते हैं। चलो ठीक है, डिलीवरी का तो वीडियो हो गया, टॉप स्पीड का वीडियो अभी नहीं हुआ, वो हो जाएगा। चलो आज ही चेक कर लेते हैं ना टॉप स्पीड, सोचना क्या, आज ही टेस्ट कर लेते हैं। और माइलेज, माइलेज तो मेरे हिसाब से अवनीत के हिसाब से इसका 37-40 मतलब उसी के आसपास रहता है। रन उसका ज़्यादा होता नहीं है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, लॉन्ग रन पे उसने बताया कि 40+ दे रही है, तो नॉट अ बैड माइलेज। आज के महंगाई में, पेट्रोल की महंगाई में इससे बढ़िया और कोई बाइक नहीं हो सकती है जो अच्छी माइलेज दे। स्प्लेंडर तो आप चलाओगे नहीं, तो स्प्लेंडर मतलब स्प्लेंडर से कंपेयर नहीं कर सकते इस बाइक का, कहाँ स्प्लेंडर और कहाँ MT। और आज तो भोपुरा पे ही जाम शुरू हो गया और हिंगडन अपना एयरपोर्ट बहुत आगे है, तो ओहो भाई साहब ऐसे तो कैसे चलने वाला है। ट्रैफिक जब स्मूथ चलती है ना तो मतलब ड्राइव करने का, राइड करने का ही मज़ा आता है। और स्मूथ ना चले तो ऐसी ट्रैफिक में आपके हाथ पैर सारे दर्द हो जाते हैं। अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हो ना तो बार बार आपको क्लच दबाते दबाते गियर चेंज करते करते हाथ और पैरों में दर्द हो जाता है। और वहीं अगर टू व्हीलर चला रहे हो तो हाथों में भी दर्द हो जाता है। क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, गियर चेंज करो। और ऐसे इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में स्पीड देखे हुए मुझे कितना टाइम भी दिया है। बसंती का इंस्ट्रूमेंटल कंसोल वो जो हमारी नाक तिब्बा वाले राइड से ख़राब हुआ वो आज तक सही नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं दिखाया नहीं, मैंने उसके सारे सेटअप चेंज करवा दिए। इवन उसका जो सेंसर होता है, उसकी जो केबल होती है जो उसके सेंसर तक जाती है, वो सारी चेंज करवा दी, लेकिन प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली वो पता नहीं चल पा रहा है। और कई सर्विस सेंटर में दिखा लिया, मुझे लगता है किसी अच्छे से सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा जहाँ पे इसका प्रॉपर इलाज हो सके। ये होता है ना कि जब कहीं छोटे हॉस्पिटल में इलाज ना हो सके तो लोग बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो बसंती को एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है जहाँ पे उसका अच्छे से इलाज हो सके। तो देखिए वो शुभ दिन कब आता है जब बसंती का अच्छे से इलाज हो जाए। अब जिस दिन बसंती का अच्छे से इलाज हो जाएगा ना तो बसंती अपनी फिर सरपट दौड़ने लगेगी। ट्रैफिक माशाल्लाह ट्रैफिक है, और रोड भी हमारे उत्तर प्रदेश के कैसे हैं वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि ये जो एडाप्टर है ये जो GoPro में लगता है और जो हेलमेट से मेरी माइक आती है वो इसमें जाती है। अगर वो माइक मैं डायरेक्ट GoPro वाले एडाप्टर में लगाऊँ तो आवाज़ नहीं आती है, तो उसके लिए ये एडाप्टर होना ज़रूरी होता है। अब ये एडाप्टर भाई साहब कब कहाँ टूट गए और उसके बाद मेरे GoPro की आवाज़ ही चली गई। तो वीडियो तो आया लेकिन आवाज़ नहीं आई, तो अभी हम टॉप स्पीड चेक करेंगे या अपने MT-15 का, लेकिन उसमें आपको ओरिजिनल आवाज़ नहीं मिलेगी, उसमें हम म्यूज़िक डाल देंगे। तो चलो टॉप स्पीड तो हम चेक ही कर चुके हैं, वीडियो तो है हमारे पास, बस उसकी ओरिजिनल आवाज़ गायब हो गई है इस महाशय की वजह से।
हमने टॉप स्पीड चेक कर ली। अब इसके बाद मैं गया मुकुंद को रिसीव किया और वहाँ से हम चल चले एक स्पॉट पे जो मैंने काफ़ी पहले ही सोचा था कि यहाँ पे हम आगे कुछ वीडियो या टाइमलेस शूट करेंगे। तो सक्सेस तो वो वाला प्लान भी अपना नहीं हो पाया, लेकिन कुछ कुछ वीडियो आए वो भी आप देख लो। ऐसी राइड पे जाए और अपने इंस्टा 360 अपनी मतलब मुकुंद आ गए, कुछ लोग समझ जाएंगे कि हाँ मैंने ही खरीद लिया, ऐसी बात नहीं है, वो मुकुंद का इंस्टा 360 है, उससे शॉट ना लें, ऐसा हो सकता है। तो अब ये इंस्टा 360 के शॉट का भी मजा आ रहा है। भाई साहब ये सारी वीडियो थी और जो हमारा मेन पर्पज था वो था MT-15 की टॉप स्पीड चेक करना, वो हमने कर ली और आपको दिखा दी थी। और इन फ्यूचर कभी मौका मिलेगा तो आपको ओरिजिनल साउंड में भी इसकी टॉप स्पीड कभी चेक करके दिखा देंगे। अभी तक के लिए ये हो पाया क्योंकि इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम भी इन्वेस्ट किया, लगभग 4-5 घंटे हम उधर ही घूमते रहे हर कुछ करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब आउटकम ऐसे जीरो टाइप होता देखता है तब अच्छा नहीं लगता है, तो उसको जीरो को आगे 1, 2, 3, 4 लगा के कुछ तो परसेंटेज या कुछ तो ऊपर पहुँचाना पड़ता है। सो हमने कर लिया, अभी म्यूजिक के साथ आपने टॉप स्पीड देख ली। आई होप कि वीडियो आपको पूरी पसंद आई हो, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको करना क्या है आपको पता ही है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।